नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो सांस है और दिमाग है उसका आपस में क्या संबंध है, और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सही जीवन जीने के लिए हमें एक मिनट में कितने सांस लेने चाहिए। हमारा जो सांस है वो हमारे दिमाग का भौतिक समकक्ष है। किसी भी व्यक्ति के सांस का परीक्षण करके उसके दिमाग का पता लगाया जा सकता है। बाहरी वातावरण के साथ निरंतर संपर्क में रहने वाला शारीरिक अंग नाक ही है, क्योंकि जो दूसरे अंग हैं जैसे कान हो गया, आंख हो गया, वो रात को बंद हो जाते हैं, जैसे ही हम सोए वो बंद हो जाते हैं, परंतु जो नाक है वो क्रियाशील रहता है हमेशा, जब से हमने जन्म लिया और मृत्यु के पहले तक जो नाक है उसमें जो सांस है वो चलते रहते हैं, चाहे वो कम आ रहे हैं चाहे ज़्यादा आ रहे हैं, पर वो चलते रहेंगे। और जो हमारे सांस लेने की दर है वह हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, उसमें चेंज होता रहता है। जैसे कि जब हमें गुस्सा आता है या हम एक्सरसाइज करते हैं तो गुस्सा आ रहा है तो हमें जो सांस है हमारे बहुत तेज़ हो जाते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं हम। और इसके विपरीत जब हमें नींद आ रही होती है, गहरी नींद में होते हैं, तो सांस धीमे हो जाते हैं, बड़े आराम से सांस लेते हैं और नियमित हो जाते हैं जो सांस। जो एक औसत मानव है वो एक मिनट में 13 से 15 बार सांस लेता है। इसके हिसाब से जो 24 घंटे हैं उसमें 21,000 से 21,600 बार सांस लिए गए। अब क्या होगा जो अगर एक मिनट में 15 से ज़्यादा सांस लेता है, तो हमें पता है कि जो हमारा शरीर है वो 60% से ज़्यादा उसमें तरल है, लिक्विड है। तो अगर हम एक मिनट में 15 से ज़्यादा बार सांस ले रहे हैं, जैसे हमें जब गुस्सा आ रहा होता है तो हम ज़्यादा एक मिनट में 15 से ज़्यादा बार सांस लेते हैं, बहुत ज़्यादा बार सांस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो रक्त होता है और जो अन्य जीवन के तरल पदार्थ हैं उसका जो प्रवाह है, उसका जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, उसमें वृद्धि होती है, और इसका सीधा असर हमारे दिमाग पे पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा शरीर है वो अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट हमारे शरीर में खिंचाव रहता है, तनाव रहता है, किसी को नींद आती नहीं है, जिसको नींद आ रही है तो बहुत ज़्यादा आ रही है, 11, 12, 13 घंटे सोने के बाद भी नींद आ रही है। इसके विपरीत लो, इसके विपरीत जो क्रोध नहीं कर रहा, जो अपना 15 से कम सांस ले रहा है एक मिनट में, तो वह क्या कर रहा है, अपनी ऊर्जा को बचा रहा है, और वह अपने जीवन की जो शक्ति है उसको बढ़ा सकता है और वह लंबे समय तक जीवित रहता है। जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें भी जो आयु है हमारी वो वर्षों में नहीं बताई गई है, वो सांसों में बताई गई है। हमारा ग्रंथ है जो शिव सर्वोदय, उसके अनुसार जो एक मानव है उसकी उम्र 94,60,80,000 सांस है, जो कि 120 वर्ष के बराबर है। सांस उतने ही हैं, कोई पहले ले लो उनको, कोई बाद में ले। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो हमारे सांस हैं उनको देखना होगा कि हम एक मिनट में कितने सांस ले रहे हैं। जो सांस बताए गए हैं यहाँ, जो सांस का मतलब है वो पूरे सांस की बात हो रही है, कि आपने सांस अंदर लिया बाहर छोड़ा, इस पूरे सांस की बात हो रही है। अगर आप एक मिनट में 15 से ज़्यादा बार सांस ले रहे हैं तो इसको देखो ज़रा, आपके शरीर में सिर में दर्द रहता है और कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो इसको देखना होगा कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें, कम कैसे करें। प्राणायाम करो, ध्यान लगा के बैठो, थोड़ा सांस अंदर भरा, थोड़ी देर बाद बाहर छोड़ा, थोड़ा अंदर रखने के बाद, तो इसकी प्रैक्टिस करें और जो अपने जीवन है उसको सही बनाएं। इससे वो सर का दर्द तो रहता ही है, आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर में दर्द है हमारे, वो इसी वजह से सांस ले नहीं रहे हैं,
अब सांस लेना ही भूल जाते हैं, फोन में लगे हुए हैं, सांस लेना ही भूल गए, पता ही नहीं है सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सांस नहीं लेना है, आप सांस ना लें, सांस को लंबा करें, सांस लेने की जो टाइम है उसको बढ़ाएं। सांस ले रहे हैं तो उसको लंबा लें और लंबा ही छोड़ें उसको, तो इससे ये प्रैक्टिस से आएगा, प्राणायाम करने से आएगा। ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे कि सांस नहीं लेना आपने, ये मतलब ये कह दिया 15 से कम सांस लेने, नहीं, सांस पूरा ही लेना है, लंबा सांस लें, ऑक्सीजन उतनी लेनी है अंदर, आप लंबा सांस लोगे तो सही रहेगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, प्राणायाम करें सुबह उठ के। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को शेयर करें, धन्यवाद।